मध्य प्रदेश में चल रहे महिला सम्मान कार्यक्रम की तर्ज पर उमरिया जिले में भी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विकास साहवाल के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पाली थाना प्रभारी आर के धारिया के नेतृत्व में एक नुक्कड़ नाटक एवं नुक्कड़ सभा के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला संबंधी अपराधों और उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। महिलाओं से आग्रह किया गया कि वे आवाज उठाएं और अत्याचारों का विरोध करें। पाली में आज जो कार्यक्रम रखा गया उमरिया पुलिस के द्वारा, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था और नारी सशक्तिकरण पे बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ की गई और जो उसमें बताया गया, संदेश दिया गया कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो पुलिस उसके साथ है। कोई भी महिला पुलिस को कभी भी फ़ोन कर सकती है, 100 नंबर डायल कर सकती है और महिला हेल्पलाइन का 1090 का नंबर डायल कर सकती है। इसी को लेकर हम लोग भी जो यहाँ विरासनी फिल्म्स के माध्यम से आहुति सीरियल बनाया जा रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आधारित है, आदरणीय पटेल जी के माध्यम से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मंगलवार को ये आता है 7 बजे। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा डायल 100, महिला हेल्पलाइन सहित अन्य कानूनी जानकारियों को भी साझा किया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका सीएमओ आभा त्रिपाठी ने महिलाओं को कानूनी जानकारी दी। वहीं मैं हूं हीरो कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती माया को पुलिस ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिनेता आरिफ शहडोली और पायल ने भी अपने विचार रखे। भी हमारे रूरल एरिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ बहुत अलग अलग तरीके से जो है दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो हम इस सीरियल के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सोच को बदले। हमारा ये मानना है कि अगर बीज अच्छा होगा तो पौधा भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम अपने बच्चों में ये संस्कार डालें, उनके अंदर ये चीज़ डालते हैं कि सोच आप महिलाओं के प्रति अपनी सोच जो है अच्छी रखिए।